और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। सुबह 7 बजे से मतदान और आपको लगातार हम ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाई थी कि लोगों के इस बार क्या मुद्दे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग यमुनानगर में अब तक हुई है। आपको बता दें कि 90 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। आंकड़े भी आपको अब से कुछ देर में हम बताएंगे कि कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। और आपको ये जानकारी दे दें कि 11 बजे तक पूरे हरियाणा की बात करें तो 18% मतदान, 18% मतदान वहां पर हो चुका है यमुनानगर सीट पर सबसे ज्यादा। यमुनानगर में 11 बजे तक की अगर बात करें 23% मतदान हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं अभी वहां पर ही मतदान कर रहे हैं। और फरीदाबाद की बात करें 13.6% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा इस बार कई मुद्दों को लेकर के लोग ग्राउंड पे, आप देखिए आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला में 15.9%, अंबाला में 19.8%, यमुनानगर में 23.1%, और कुरुक्षेत्र की बात करें 22% मतदान हो चुका है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मां ने भी नारायणगढ़ में वोट डाला और एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के सीएम बनने का दावा भी किया है। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। माता जी, आपके बेटे चुनावी मैदान में हैं, सीएम हैं और काफी कम समय उन्हें मिला है जनता की सेवा करने का, लेकिन क्या लग रहा है कि जीत हासिल कर पाएंगे वो? जीतेंगे जी, जरूर जीतेंगे। बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा जी। हाँ जी। क्या मुद्दे ऐसे रहे अगर हम बात करें हरियाणा की, या फिर अगर हम नारायणगढ़ की बात करें, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके तहत आपको लग रहा है कि जनता वोट डालने जाएगी, और आपके क्या मुद्दे हैं? मेरे क्या मुद्दे, जीतेगा मेरा बेटा। हाँ, सब चाहते हैं मेरे बेटे को। हाँ। क्यों चाहते हैं? सब प्यार करते हैं, काम करता है उनका। अच्छा। हाँ, सबका काम करता है, सबको मिलता है। 3 महीने का समय था उनके पास। 3 महीने में काफी कम समय होता है जनता के बीच में काम करने का, और क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो गई थी तो ऐसे लगता है कि काफी कम समय उनके पास मिला। थोड़े समय में भी बहुत काम अच्छा करा है उन्होंने, सब चाहते हैं उसको। आप भी सीएम सैनी के फैमिली से हैं, क्या मुद्दे आपके, किन मुद्दों के साथ आप वोट डालने के लिए आई हैं? मैम, हम इसलिए भाई हमारा अंकल जी जीतेंगे हार, और देश के लिए अच्छा काम करेंगे, और किसान भाइयों को भी अच्छा, जैसे उनके हक में जो भी है वो अच्छा काम करेंगे। आप बताइए आपके क्या मुद्दे? युवाओं को जी रोज़गार देने का काम किया बीजेपी सरकार ने, और जो भी एक गरीब परिवार तक आम जो भी जन सुविधाएं चलती हैं वो गरीब परिवार तक मिल रही हैं, और जो सुविधाएं हैं 5 लाख से बढ़ाकर अब राज्य सरकार ने अपना 10 लाख तक करने का काम किया है, और अब महिलाओं को 2100 रुपये देने का हर महीने एक वो किया है। नारायणगढ़ की जनता के क्या मुद्दे हैं? नारायणगढ़ की जनता अपना यही अपना भी विकास हुए अपना, और सीएम सिटी अपना यहाँ से सीएम साहब हैं इस गांव से, और एक डबल इंजन की सरकार से विकास हुए, ऊपर भी केंद्र में मोदी जी की सरकार और नीचे नायब जी की सरकार बीजेपी की सरकार बने, और डबल उसमें विकास गति से कार्य। अम्मा, थोड़ा आप आगे आ जाइए, आपको क्या लगता है बीते 10 सालों में बीजेपी ने यहाँ पे काम किया है, कितना काम किया है, और क्या वही मुद्दे जो इस बार आपके बेटे को जीत दिला पाएंगे? हाँ, वही मुद्दे हैं, बहुत काम करया मेरे बेटे ने, सबके लिए करया, गरीबों के लिए भी करया, सबके लिए करया। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी, शाम 6 बजे ये थम जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि आखिरकार विधानसभा चुनावों का दंगल कौन जीतेगा। अब हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का बयान भी सामने आया, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन की लहर है, हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी लगातार, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, हमें समर्थन कोई देगा तो हम देखेंगे कि इसका समर्थन लेने से लाभ है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का क्या देखते हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ओपी चौटाला को फिलहाल आप सुन रहे थे, लेकिन इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी हरियाणा में अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभय चौटाला जी हैं। सर, क्या कहेंगे, आपने मतदान कर लिया है? मैंने, आपने मेरा पहले भी एक इंटरव्यू किया उसी दिन भी आपसे कहा था
कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज के जो हालात हैं, जिस तरह से वोट बढ़ रहे हैं, मैंने पूरे प्रदेश में अपने जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े हैं उन सबसे पूछा है खुल करके, सब जगह बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से पोलिंग हो रही है और हम लोग जो है 30 से 35 सीटें जीतेंगे और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन आप दावा कर रहे हैं एक तरफ कि 30 से 35 सीटें बीजेपी दावा कर रही है, क्या लग रहा है आपको दावे में, किसके दावे? दम तो हमारे ही दावे में है, बीजेपी तो साफ होगी। हाँ, उधर कांग्रेस भी है और पूरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं जो बेनीवाल हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? कई कांग्रेस है हरियाणा में, शैलजा जी की अलग कांग्रेस है। ये तस्वीरें आप देखें जहां महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ये ढोल नगाड़ा बजाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के अवसर पर हर मंदिर में खास कार्यक्रम रखे जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले जब वो मंदिर पहुंचे थे उन्होंने पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं और उपासना करने के बाद ये वाशिम से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ प्रधानमंत्री नगाड़ा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर उपासना करते हुए नजर आ रहे थे, ये दो तस्वीरें। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए वाशिम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाद्य यंत्र बजाते हुए नजर आ रहे हैं और शुभ माना जाता है, नवरात्र चल रहे हैं वैसे भी, और प्रधानमंत्री मोदी की कुछ देर पहले आपको तस्वीर हमने दिखाई भी थी, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे पीएम मोदी। आज किसानों को एक बड़ी सौगात देने वाले प्रधानमंत्री मोदी, 18वीं किस्त जो है वो जारी करेंगे। इसके अलावा भी और कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से महाराष्ट्र की जनता को दी जाएगी। पीएम मोदी का महाराष्ट्र का दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि चुनाव नजदीक है और 56,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की जनता को देने वाले हैं। बहरहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वहां पर इस वक्त सबसे पहले पीएम मोदी जब पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर थे, उसके बाद पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की वाशिम में, और अभी आपको दिखा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ढोल भी बजाया और इसके बाद आगे जाएंगे। शाम को 4 बजे का वक्त होगा जब पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे, किसानों को 23,300 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएगी। और पोरा देवी में भी जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, आरती करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा संत सेवालाल महाराज की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का काफी बिजी शेड्यूल है और पीएम मोदी मेट्रो की शुभारंभ भी करेंगे, मेट्रो की सौगात भी लोगों को देंगे, लेकिन किसान योजना के 18वीं किस्त जो है वो भी जारी करने वाले हैं। और इस वक्त माँ दुर्गा की जो पूजा पीएम मोदी की तरफ से की गई, जगदम्बा माता की आरती की पीएम मोदी ने, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और नगाड़े की गूंज पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जो है कई मायनों में खास।